गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास टेंथ फिजिक्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 30 और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। फील्ड एंड फील्ड लाइंस, जैसा कि आपको मैग्नेट दिखा रहे, हर मैग्नेट में डेफिनेटली कितने पार्ट्स होते हैं? टू, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इट मीन्स उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब दो मैग्नेट के अपोजिट साइड को हम आसपास लाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन दो सेम पोल अगर एक पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। इट मीन्स अ मैग्नेट इज़ अ मटेरियल दैट प्रोड्यूस अ फील्ड दैट अट्रैक्ट्स और रिपल्स अदर सच मटेरियल ऑफ मैग्नेटिक नेचर। मतलब ये एक मैग्नेट का नेचर होता है, या तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं या रिपल कर देते हैं एक दूसरे को। लोडस्टोन इज अ नेचुरली ऑक्यूरिंग मैग्नेट इज अट्रैक्ट मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबोल्ट एक्सेट्रा। मतलब डेफिनेटली मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है? आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को, इस तरह के ऑब्जेक्ट को वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। हिंदी में हो जाएगा, चुंबक एक ऐसी सामग्री है जो एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करती है जो चुंबकीय प्रकृति की ऐसी अन्य सामग्रियों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। लोडस्टोन एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला चुंबक है। यह लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब आपने अपने घर में डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैग्नेट देखा होगा, राइट? जब वो मैग्नेट को किसी लोहे की वस्तु, मतलब अपनी पलंग पेटी है या अलमारी है या स्टील के कोई भी बर्तन के नियरेस्ट उस मैग्नेट को लाया जाता है तो वो डेफिनेटली क्या करता है? उसको अट्रैक्ट करता है। मतलब ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसका नेचर है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अ मैग्नेट इज ऑलवेज बाईपोलर विथ पोल्स नेम्ड नॉर्थ एंड साउथ। मतलब हर मैग्नेट में डेफिनेटली दो पोलर होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बाईपोलर। एक पोल होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। दिस टू पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट टूगेदर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। कभी भी हम मैग्नेट को दो पोल में सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे ये नॉर्थ और साउथ है, राइट? इस मैग्नेट को मैंने तोड़ दिया, सपोज ये और ये दो ब्रेक कर दिए, फिर से इसमें दो पोल हो जाएंगे, नॉर्थ और साउथ। मतलब कभी भी ऐसा नहीं कि तोड़ दिया मैग्नेट को तो एक नॉर्थ पूरा बन गया, एक साउथ। नहीं, जितने आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे उसके हर एक पार्ट में अगेन वापस से क्या हो जाएंगे? दो पोल हो जाएंगे। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डेवलप हो जाएगा। मतलब आप कभी भी उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज़ द साइड विच पॉइंट टू अर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ व्हेन इट इज़ फ्रीली सस्पेंडेड। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हमेशा द्विध्रुव होता है। मतलब चुंबक हमेशा द्विध्रुव होता है, मतलब दो ध्रुव होते हैं जिसके ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। ये दोनों ध्रुव हमेशा एक साथ ही मौजूद रहते हैं। जैसे ही मैंने बताया कि चुंबक को आप कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते, और करते भी है तो हमेशा उसके दो ध्रुव अवेलेबल ही रहेंगे और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव वह पक्ष होता है जो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर इंगित करता है जब यह स्वतंत्र रूप से निलंबित होता है। लाइक पोल्स रिपल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। मतलब जब दो सेम हो, जब दो सेम चुंबक या मैग्नेट को पास में लाया जाता है, नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाएगा तो वो क्या होगा? रिपल होगा। लेकिन साउथ और नॉर्थ दो अपोजिट पोल को पास में लाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम एज इट इज़ क्या होता है? देखिए, सिमिलर टू चार्जेस पोल्स अट्रैक्ट एंड रिपल। लाइक पोल्स रिपल वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। जैसे ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। मतलब जब दो सेम पोल लाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल, मतलब प्रतिकर्षित, एक दूसरे को धकेलते, दूर दूर हो जाते। लेकिन दो अपोजिट साइन को आप पास में लाते हैं, नॉर्थ को साउथ या साउथ को नॉर्थ के पास, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, मतलब आकर्षित करते हैं। आवेशों के समान ध्रुव आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बार मैग्नेट। अ बार मैग्नेट इज़ अ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट कंपोज्ड ऑफ आयरन, स्टील और एनी फॉर्म ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दैट शो परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इट हैज़ टू डिफरेंट पोल्स, अ नॉर्थ एंड अ साउथ पोल।
such as when suspended freely, the North Pole align itself towards the geographic North Pole of the Earth. मतलब चुंबक की एक पट्टी. एक बार चुंबक एक आयताकार वस्तु है जो लोहे, स्टील या लोह चुंबकीय पदार्थ के किसी भी रूप से बना है, जो स्थायी चुंबकीय गुण दिखाता है. इसके दो अलग अलग ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी. सेम एज इट इज़, हमने जो प्रॉपर्टी चुंबक की पढ़ी वही सेम प्रॉपर्टी किसकी होती है, बार मैग्नेट की होती है, कि लोहे की वस्तु, स्टील की, कोबाल्ट की, किसी भी वस्तु को जब हम उसके पास लाते हैं तो डेफिनेटली चुंबक अपने नेचर के कारण उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है. बार मैग्नेट में भी दो एज इट इज़ पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, राइट. और इसमें भी ये कहा करता है नॉर्थ पोल किसके ओर अट्रैक्ट होता है, नॉर्थ पोल अलाइंस इटसेल्फ टूवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ. उत्तरी ध्रुव खुद को पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर संरेखित करता है. मैग्नेटिक फील्ड, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड. The direction and strength of a magnetic field are represented by magnetic lines of force. जैसा कि आप मैग्नेट देख रहे हैं, इस मैग्नेट के यहाँ तक अगर कोई मैंने ऑब्जेक्ट रखा लोहे की, तो हो सकता है ये चुंबक या मैग्नेट इसको अट्रैक्ट ना करे, लेकिन जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ ले आई तो हो सकता है कि ये जल्दी से इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट. तो इतना एरिया उसका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड. मतलब चुंबक के आस पास का जितना एरिया जब किसी ऑब्जेक्ट को वो एक फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो उतने एरिए को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है. चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और शक्ति को बल की चुंबकीय रेखा द्वारा दर्शाया जाता है. अर्थात चुंबक के आसपास, मतलब जितना ये एरिया है उतना एरिया हमारे लिए क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैग्नेटिक फील्ड. डेफिनेटली कि चुंबक के आसपास, मतलब ये चुंबक रखा है, मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, मतलब कोई वस्तु रखी, वो अट्रैक्ट कर रहा है नहीं, यहाँ लाए अट्रैक्ट कर रहा है नहीं, यहाँ लाए अट्रैक्ट कर लिया, इट मीन्स कि यहाँ तक का एरिया उसका क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र. मतलब उस एरिए के अंदर अगर कोई वस्तु लोहे की आती है तो डेफिनेटली वो उसको किसी एक बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है. उसी को हम, उस एरिए को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, लाइंस देखिए, ये यहाँ से निकली यहाँ गई, डायरेक्शन दिखाई दे रही है. दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल. क्या होती है लाइंस, मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस रनिंग क्लोज्ड लूप. ये डेफिनेटली कंटिन्यूस होता है, मतलब कहीं से ये ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूस, और साथ में कैसा होता है, क्लोज्ड होता है. मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, कंटिन्यूस होती है, साथ में कैसी होती है, क्लोज्ड लूप बनाती है. द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट एनी गिवन पॉइंट इंडिकेटेड द डायरेक्शन ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. मतलब इसकी डेफिनेटली डायरेक्शन होती है कि ये कहाँ पे जा रही है, आउटसाइड में नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही है, और इधर पार्ट में कहाँ से जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है. द ग्रेटर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, द हायर द इंटेंसिटी, द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस. मतलब जितनी लाइंस पास पास होगी उतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितनी लाइंस ये दूर दूर होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक होगा. There is no intersection between the magnetic field. Definitely ये दो जितनी भी लाइन्स हैं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, मतलब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है. हिंदी में क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ. चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के परिणाम स्वरूप निरंतर चलने वाले बंद लूप बनते हैं. किसी दिए गए बिंदु पर क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है. प्रति इकाई क्षेत्र को पार करने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या जितनी अधिक तीव्रता होगी उतनी ही अधिक होगी, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण उतना ही अधिक होगा. चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच कोई प्रतिच्छेदन नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर अ क्लोज्ड लूप, डेफिनेटली ये क्या है, क्लोज्ड लूप बनाती है. मतलब मैग्नेटिक हैव डाइपोल्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मस्ट ओरिजिनेट एंड एंड देयरफॉर बाय कन्वेंशन इट इट्स
starts at the north pole and moves towards the south pole outside bar magnet and from south to north inside the magnetic. Hence it forms closed loop. मतलब बाहर की तरफ देखे तो ये north से south की तरफ जाती है, inner part में south से north की तरफ, और इस तरीके से ये क्या बना रही है, बंद मतलब closed loop बनाती है. No two magnetic field lines intersect. मतलब ये कोई भी intersect नहीं करती है, magnetic field आपस में एक दूसरे को intersect नहीं करती है. Relative strength of magnetic field inferred from magnetic field lines. मतलब ये एक दूसरे के जितने नज़दीक होती है उसका magnetic field क्या होता है, बहुत ही strong होता है, और जितनी दूर दूर होती है उसका magnetic field उतना ही weak होता है. बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं. अब बंद लूप मतलब ये मैंने जस्ट अभी बताया कि डेफिनेटली ये कैसा है, क्लोज्ड कर्व बनाती है, राइट. कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है. अंदर की तरफ कहाँ से जाती है, उत्तरी ध्रुव से होकर कहाँ जाती है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है. मतलब बाहर की तरफ से कहाँ जाती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है, और अंदर की तरफ दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है. ये बंद कर्व बनाती है और ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है. चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी पास पास होती है, मतलब जितनी पास पास बनाएगी वह क्षेत्र उतना ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग होगा, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी दूर दूर होगी वह क्षेत्र उतना ही कमजोर और वीक होगा. थैंक यू.